हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड की। डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड जो कि आप ऑनलाइन बना सकते हैं, इसे बनाने के क्या फ़ायदे हैं वो जानते हैं। डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड से आप अपने हेल्थ से रिलेटेड सारा डेटा ऑनलाइन सेफ रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप इन्हें किसी भी डॉक्टर पर के पास किसी भी क्लिनिक पर जाकर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके हेल्थ से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं वो आप अपने डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड में सेव रखते हैं तो आपको फिज़िकल कॉपी डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके हेल्थ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके इस हेल्थ आईडी कार्ड में होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप ऑनलाइन अपने डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड को जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। आप अपना डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड या तो आधार कार्ड से जनरेट कर सकते हैं या फिर किसी मोबाइल नंबर से। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ये जानेंगे कि किस तरह से हम अपना डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम अपना हेल्थ आईडी कार्ड ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। अगर आप अपना डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विजिट करना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट healthid.ndhm.gov.in पर। यहां विजिट करेंगे, इस तरह का होम पेज दिखेगा आपको। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट योर हेल्थ आईडी, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक ऑप्शन होगा जनरेट वाया आधार कार्ड। यहाँ पर कुछ डिटेल्स भी दी गई हैं कि आप अपने हेल्थ आईडी कार्ड को या तो अपने मोबाइल नंबर या फिर आधार कार्ड से जनरेट कर सकते हैं। तो अपना हेल्थ आईडी कार्ड जनरेट करने के लिए आप अपने आधार नंबर या फिर किसी मोबाइल नंबर का यूज कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन है जनरेट वाया आधार। अगर आप अपने आधार कार्ड से अपना हेल्थ आईडी कार्ड जनरेट करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे जनरेट वाया आधार कार्ड। और अगर आप अपना हेल्थ आईडी कार्ड मोबाइल नंबर से जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्लिक करेंगे यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक हियर। यहाँ मेंशन है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड और आई डू नॉट वांट टू यूज माय आधार फॉर क्रिएटिंग हेल्थ आईडी। यानी आप अपना आधार कार्ड इस हेल्थ आईडी कार्ड को जनरेट करने के लिए यूज नहीं करना चाहते। अगर आप नहीं करना चाहते हैं यूज अपने आधार कार्ड का तो क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे इस तरह का स्क्रीन आपके पास आएगी, जनरेट योर हेल्थ आईडी वाया मोबाइल। इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आएगा, यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद आई सहमत, मैं सहमत हूँ इस पर टिक करेंगे, आई एग्री पर। और यहाँ आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करेंगे और फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद आई एग्री और आई एम नॉट अ रोबोट पर टिक करने के बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप यहां डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओटीपी डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो जब इस तरह का पेज खुलेगा तो सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम बताना है, लास्ट नेम बताना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है वो यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। आपको बता दें कि स्टार मार्क वाले जो है वो कंपलसरी हैं, जिन पे स्टार मार्क है वो आपको फिल करना ज़रूरी है, जिन पे स्टार मार्क नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं। नीचे आप अपना जेंडर चूज करेंगे, मेल फीमेल जो भी है। और अगर आप ये नहीं बताना चाहते तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं।
उसके बाद आपको अपना एक PHR एड्रेस क्रिएट करना होगा, यानी एक तरह का एक ये यूजर आईडी है जिसे शेयर करके आप अपना डेटा जो है किसी डॉक्टर के साथ डिजिटली शेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप अपना एक यूजर आईडी बना लेंगे। इसे बनाने के लिए आप अल्फा न्यूमेरिक का यूज कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते। नीचे आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में आप एक कैपिटल लेटर और अल्फा न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, और एक आपका कैप्स लेटर होना जरूरी है। एक कैप्स लेटर, एक न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। इसपे स्टार मार्क नहीं है तो आप डालना चाहे कंप्लीट एड्रेस डाल सकते हैं, अदरवाइज नीचे आप अपना स्टेट चूज कर लेंगे, जो स्टेट है उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, और उसके बाद लास्ट में सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका हेल्थ आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, और साथ ही आपके पास कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डाउनलोड हेल्थ आईडी कार्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे और अपना हेल्थ आईडी कार्ड आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसे आप ओपन करके चेक कर सकते हैं, इसमें आपका पूरा डिटेल आएगा। तो ये देख सकते हैं, ऊपर आपका नाम आएगा, हेल्थ आईडी नंबर ये है आपका, ये आपका PHR एड्रेस है जो आपने बनाया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और मोबाइल नंबर इस हेल्थ आईडी कार्ड पर दिखेगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप ऑनलाइन अपना और अपने फैमिली का डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड बना सकते हैं और इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक एंड शेयर करें।